अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल ऑफ शताज खान, शताज खान ऑफिशियल। सो गाइस, फाइनली दोबारा से व्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है आज से ऑनवर्ड्स, क्योंकि आज है ज़ारेब की मेहंदी और उसके बाद है बारात और उसके बाद है वलीमा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना लास्ट टाइम की तरह आप लोगों को मैं व्लॉग प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि फिर आप लोगों की शिकायत होती है, शताज आप ही, आपने इतने सारे इवेंट गुजर गए, आपने व्लॉग नहीं बनाया। तो सीरियसली मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मेरे मोबाइल का स्टोरेज नहीं था, रात में बैठ के मैंने सारे स्टोरेज खाली किया ताकि मैं व्लॉग बना सकूं। अभी मेरी सुबह हो चुकी है और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है, आई गेस 2:30 बजने वाले, और मुझे कॉल टाइम था सलोन जाने का 12 बजे का, बट मैं पूरी रात जागती थी, स्टोरेज हटा रही थी, तो इसीलिए जो है क्या नाम है, मुझे लेट हो गया उठने में। मैं उठी, मुझे सुस्ती हुई, फिर मैं सो गई, फिर मैं 1:30 बजे उठी हूँ, फिर उसके बाद दोबारा सो गई और मैं फाइनली उठ के अपना जो है मुँह शू धो धा के लेंस वगैरह मैंने वेयर कर लिए हैं और मैं बिल्कुल रेडी टू गो हूँ सैलून जाने के लिए। सो अभी मैं सैलून जाऊँगी, वहाँ रेडी होंगी, फिर वहाँ से मैं इवेंट पे जाऊँगी। तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है तो आप लोगों को उसके लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा, ठीक है? और मेरे कमरे में इस वक्त जो है ना, सब एक दूसरे को चुप करवा रहे, शताज व्लॉग बना रही है, तो फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ सैलून जाके। और अभी मैं अपना जोड़ा वोड़ा भी नहीं आपको दिखाने वाली, बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली, वो मैं आप लोगों को वहीं जाके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो हो कि क्या पहनेंगी शताज आपी, क्या पहनेंगी शताज आपी। तो वहाँ पर ही आपको मेरा लुक भी पता चलेगा और वहीं पर आपको पता चलेगा कि मेरा जो है वो ड्रेस कैसा है। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ मैं कुछ बोल नहीं सकती थी बिकॉज सॉन्ग्स चल रहे थे और पता नहीं क्यों मेरी आँख इतनी रेड हो गई थी, आई डोंट नो। फिर मैंने ड्रॉप्स वगैरह डाले तो ये ठीक होगा। और ये बिफोर मेकअप लुक है, उसके बाद हम लोगों ने खाया सैंडविच और पी टी हाँ, क्योंकि मेरा आधा मेकअप हो चुका था, आई मेकअप उसके बाद का, फिर आगे देखते हैं। सो फाइनली हेयर इज़ माई फुल लुक, फुल लुक में अभी ज्वेलरी रहती है पहनना, और ये मेरे हाथ में फ्लावर्स है, ये भी लगने रहते हैं। गाइस दिखा दूँ या नहीं दिखाऊँ? देख तो चुके होंगे आप लोग, फिर भी ये मेरा फाइनल लुक विदाउट इयरिंग्स और नेकलेस, मैंने वेयर करना नहीं है, फ्लावर्स भी रखना बाकी है, और आई होप कि हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा होगा, यकीन है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा कि कैसे लग रहा है। आज मैंने लिपस्टिक थोड़ी अलग ट्राई की है, सिर्फ लाइट लाइट सा कलर देके ऊपर उसके अंदर मैंने न्यूड जो है वो ओम्ब्रे कर दिया है उसके साथ, तो लाइट नज़र आ रही होगी। नेल्स हमने लगाए नहीं थे, मैं नेल्स अपने साथ लेकर आई हूँ, अब मैं यहाँ पर नेल्स लगाऊंगी और इतने में मेरा जो है क्या नाम है, गाइस दिस इज माय फाइनल लुक एज यू ऑल सी। इधर से नहीं दिखा सकते, इधर से भी नहीं दिखा सकते, किधर से दिखाएं, खैर घर जाके दिखाते हैं आफ्टर शरारा। कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, अभी हम करवा रहे हैं अपनी दुपट्टा सेटिंग और दुपट्टा सेटिंग के बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत। जिन्होंने मेरे दुपट्टे को सेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इन्होंने मेरा टीका लगाने में बहुत ज़्यादा मदद की है, और आपने तो सेफ्टी पिन ला ला के तबाही मचा दी है। सो थैंक यू सो वेरी मच, और थैंक यू। मैंने थोड़ा रेस्ट किया है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और भूख भी लग रही थी, और साथ ही साथ मैंने अपना लहंगा भी उतार दिया, मुझसे नहीं पहना जा रहा जब भी दुपट्टा शुपट्टा सब उतरा हुआ है, मैं सिर्फ रोहा और चुचू का इंतज़ार कर रही हूँ, घर में कोई भी नहीं है, सब गए हैं घूमने के लिए, और मेरे ख्याल से चुचू और रोहा आ चुके हैं। क्या मुसीबत है, एक तो इतनी देर से आ रही हो, ऊपर से कड़ंग 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 बजाई जा रही हो, मैंने नहीं लगाई कुंडी। किसने लगाई है? हाँ जिन भूत ने लगाई है, मैंने कुंडी उंडी नहीं लगाई थी, जिन भूत ने। कहाँ से तुम? मैं झूले ज्यादा जरूरी थे या मेहंदी ज्यादा जरूरी थी? अब कितनी देर में तैयार होंगी आप? 20 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 बज रहे हैं वैसे भी। गर्मी लग रही है और ये बाल भी मेरे जो है ना क्या नाम है, उसमें बार बार अटक रहे हैं,
हाँ आ जाओ तुम आ जाओ, मेरा व्लॉग ख़राब कर दो। अब हम जाएंगे इनका रेडी होने का वेट करते हैं, रेडी होके फिर हम लोग जाएंगे मेहंदी में, तो फिर मेहंदी में जाके आप लोगों को नज़ारे करवाते हैं। होपफुली कि मैं सबसे पहली बंदी हूँ जो पहुँची हूँ, और सब लेट हो, लेट ना हो, टाइम पे हो, बट मैं पहली बंदी हूँ जो टाइम पे पहुँची हूँ। सो होपफुली आप लोगों को मेरा वैसे लुक पसंद आया होगा, और मैं जाके वहाँ पे रोहा से प्रॉपर वीडियो भी बनवाऊँगी, ताकि बैकग्राउंड के साथ खूबसूरत से लहंगा और आपकी खूबसूरत चिश्ता आप लोगों को नज़र आए। और थैंक्स टू ज़किया रुकैया सलोन, जिन्होंने मेरा इतना खूबसूरत मेकओवर और इतना प्यारा 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 लुक दिया है। आई एम सो लव इट, ओह माय गॉड। तो मैं कोई हक नहीं है खूबसूरत दिखने का, चाहता अच्छा कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। अब थोड़े दिनों बाद जो है ना, क्या नाम है, इवेंट गुजर जाने दो, उसके बाद जो ट्रोलिंग होगी ना, हाँ दोस्त की शादी थी, ये नहीं पता दोस्त की शादी में कैसे जाते हैं, ठीक है, और क्या दुल्हन बन के चली गई तो फलाना तो धमाका तो ये तो वो, तो यार दोस्त की शादी है, मुझे पता है, मेरी दो तरफ से रिश्ते हैं, एक लादेव की तरफ से है, एक जरनाब की तरफ से है। मतलब जरनाब मेरी बहन जैसी है, वो मेरी बहन है, ठीक है, एक फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड भी, ऊपर से लारे मेरा भाई है, उसके अलावा तो मतलब बेस्ट फ्रेंड भाभी बन रही है, तो ज़रूरी इतना तैयार होना, मतलब मैं एक तरफ से साली भी हूँ और एक तरफ से मैं नंद भी हूँ, तो ये दो रिश्ते तो निभाने हैं ना, तो इसीलिए इतना तैयार होना तो बनता है। हमारे सामने मौजूद है महफिल की जान, ओ माय गॉड जीन, क्या लग रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुर्ता देखें आप अपना, नाइस यार, वेरी नाइस, मुझे दे देंगे आप ये अपना कुर्ता, तुमने इसको काट के सिलवा, हाँ हाँ बहुत प्यारी लगी, होपफुली सबसे पहले मैं आई होंगी, बंदर मतलब, वो भी बैठी हुई है अभी, हाँ लोग भी, तुमने मुझे कब का फोन किया हुआ, मैं 7:30 पहुँच रही हूँ, ठीक है, कभी कभी इंसान लेट हो जाता है ना, मैं चार दफे घर जाकर चक्कर मार के आया हूँ, पता है, पहले इसको 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 तैयार कर रही थी ना मैं, इसको इस खूबसूरत को मुझे तैयार करना है यार, कितना प्यारा लग रहा है बाहर से, आज मैं आपको नहीं पूछ सकता, पता है क्यों, क्यों चुप जाओगे आप, चुप जाओ, चलो मैं जरा यहाँ की जो है ना वो उठाने की बात नहीं बोल रहे हैं, लेके जाऊँ मैं भिटो, वीडियो शीडियो कितना खूबसूरत लग रहा है, और गाइस आप देखें कितना खूबसूरत डेकोरेट करवा रहा है, मतलब लुकिंग लाइक वाओ, और अंदर जाके देखते हैं कि कौन कौन आया है और कौन कौन नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली गॉर्जियस फजीलो, ओह माय गॉड, बहुत प्यारी लग रही है, जरा आप लोग कुछ स्लोमो बनाओ, नहीं 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 सब अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हाँ लड़कियां तो होती प्यारी हैं, और लड़कियों के लिए ही मेकअप बने, लड़कियों के लिए ही कपड़े बने, लड़कियों के लिए ही ज्वेलरी बनी है, तो प्लीज कोई ये ना कहे कि दुल्हन से ज्यादा तैयार होकर आ गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है, अभी हमने अपने व्यूअर्स को दुल्हन दिखाई नहीं है और ना ही सब कुछ, अब दिखाएंगे, शूट हो जाए पहले उनका, खैर चलो चलो आगे देखते हैं, डांस परफॉर्मेंस बोला है आपने, क्या क्या लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हूं, चुच्चू भी बहुत प्यारा लग रहा है, फजीला आप ही को कुछ नहीं बोला आपने, बहुत प्यारा लग रहा है, बोला है मैंने क्या बोला है, ये बोला था आप भी बहुत, इतना आप भी बहुत सोच सोच के बोल रहा है कि बोलूं नहीं, बहुत अलग बात है, रोहा मेरा, रोहा भी खूबसूरत लग रही है, रोहा अपने नेल्स लगाने में मसरूफ है, रोहा हेलो, बहुत प्यारी लग रही है आप, या तो मेरे कैमरे का रिजल्ट बहुत प्यारा, लुक हूज दुल्हन वुलन, कोई दुल्हन वुलन नहीं है, बस सलाम अलैकुम, बहुत रोशनी पड़ी है शहर तुम्हारे आते ही, रोशनी बढ़ गई, रोशनी बहुत बढ़ गई, रोशनी रोशनी बड़ी, हाउ आर यू, अल्लाह खैर करे, शादी तुम भी यही फेरे ले लो, लड़का नहीं है वरना तो मैं सोच के यही आई, लड़का नहीं है, नहीं आप अपना मत कह देना, खुदा का वास्ता, मैं ये कैसा है वैसे, ये कैसा है, ये जुलेखा के साथ बात सुनो तमीज से, उसकी शेरवानी देखी है तुमने, ये तो मेरे साथ सेट हो रहा है, हैं अब क्या करना, तुम लोग का सीन है, अश्लील हरकतें मत करो, अश्लील हरकतें, अश्लील बात इसने शुरू की, हाँ जब मेरे पे कोई अश्लील बात करता फिर मैं उसको सच्चा करार दे देता हूँ, बात सुनो, ये तुम खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत खूबसूरत, अगर जन्नाब के बाद मुझे यहाँ पे कोई अच्छा लगने वाला लग रहा है वो तुम है, तुम्हें लग रहा है मैं ऐसे बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, बड़े ही कमीने हो तुम ऐसे, गाइस सॉरी मैंने इसको गाली दे दी, गाली देना बनता था, बनता था तुम्हारा गाली लेना, ओके इट्स ओके, माफी मांगने की जरूरत, अकेले आए हो आज, ओ हाय हाउ आर यू छोटा शेज, कैसे हो, ठीक हो, क्या कर रहे हो, कहाँ आए हो भाई, ये तो बात ही नहीं कर रहा, कर लिया सेकंड,
अहद से मिल रहा है, अहद से कार्टून देख रहा है, कार्टून देख रहा है, कार्टून। दूल्हा दुल्हन गायब हो गए, दूल्हा दुल्हन शूट करवाने गए। नाइस। नहीं बताया इसने, नहीं बताया इसने। मैसेज क्या करना है तुम्हें, हम बहुत मिस करेंगे। मेरे साथ सिर्फ दीन है और शायद है और कोई भी नहीं है। तो यार चाहता हूं, हां ये बाहर गाड़ी में से निकला है, मैंने 2 मिनट के लिए तो मैंने कहा नहीं आई एम हेलुसिनेटिंग, मैं शायद बहुत थक गया हूं, मुझे लग रहा है आसरा आ गया है लिटरली। मैंने कहा आ जाओ, क्या मसला है, कोई भी थोड़े दिन के लिए आके बंदा चला जाता। कहते यार काश आ सकता, काम बहुत है तो फलाना है तो दिमाग। अभी मेरी इससे बात हुई आते हुए, अबे 5 मिनट पहले इसको देखने का मुझे कह रहा है कि मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। हाँ तो तुम लोग का मैंने कहा, अच्छा मुझे कह रहा है तुम मुझे मिस करो, मैं जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा तो मजबूरी में नहीं आया, लेकिन मुझे तुम पे गुस्सा बढ़ा। सिर्फ एक बंदे हो रहा था ये था। और शांत क्या है आपने, हम तो हम दुश्मन है आपके, बस दुश्मन ही है। बंद करो तेरे गालियां देने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टेक 2, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। मैं ठीक हूं, मुझे ड्रामे भी होते हैं कुछ, लोगों को कंटेंट दिखना चाहिए। लोगों को कंटेंट नहीं मिलेगा अगर तो लोग एंटरटेन कैसे होंगे। दुआ हमें देखकर, हाँ तो हमें देख के तो मर रहे होते ना, लोग तो बेचारे इंतजार करें कब ये आज आएगा। मैं तो रात में डाल दूंगी, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। हमने सबके स्लोमो बनाए, आपका भी बनाते हैं जरा से। मैं घूम रही हूं। ओह वाओ, नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू। सॉरी लेकिन सॉन्ग्स की वजह से शायद कॉपीराइट लग जाए, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सॉन्ग्स आप लोग वैसे भी रील्स वगैरह पे और स्टोरीज वगैरह पे इंजॉय कर ही रहे होंगे, तो फिर ये वही हैं जो आप लोग वहाँ सुन रहे हैं, इसलिए कॉपीराइट ना लगे तो आप लोग यहाँ पे म्यूटेड वीडियोस को इंजॉय करें। थैंक यू। लारेब साहब की एंट्री के लिए सब मौजूद हो चुके हैं, और उफ इनके शशके। सारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो लाइन अप हो जाए और बैठ जाए, साइड खाली छोड़ दिएगा ताकि हमारे डांस परफॉर्मेंस जो मैं भूल चुका हूँ वो अच्छे तरीके से हो जाए। नाइस। सारे जिनके बच्चे हैं वो अपने घोटना पकड़ लें, क्योंकि आपके बच्चों के हमें पता है कि फॉलोअर्स ज्यादा हैं। अच्छा, मेरे दोस्त का नाम है रफीक, वेयर इज शफीक। ओ रोटी खोल दे शफीक, है खुदा की कसम। क्या करना, क्या चाहते हो? देखे भाई मैं दूल्हा हूँ, थोड़ी तो मेरी पास सुन लो। वो दुल्हन विलन का भी शूट चल रहा है, दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, अम्मी पता नहीं किधर हैं, क्या हो रहा है वहाँ, वो बन कबाब खा रहे हैं, यहाँ ये व्लॉग बना रहे हैं।
गाइस डांस परफॉर्मेंसेस आपको विदाउट सॉन्ग ही इंजॉय करनी पड़ेगी, और ये आप लोग हमारी रील पर भी देख सकते हैं इंस्टाग्राम की जो हम अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, मसला नहीं है, मैं फुल अपलोड कर दूँगी। जिस पे बेशक कॉपीराइट आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ व्लॉग के अंदर जो मैंने चंक्स डाले हैं इसको आप विदाउट सॉन्ग्स ही इंजॉय करना पड़ेगा। तो आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा साउंड होगा और कौन सा साउंड नहीं होगा। सो इंजॉय। क्या शराब ली? क्या बोलो, क्या बोलो, क्या बोल रहे थे मुझे? बेमिसाल है जी जी, और उसके अलावा आपकी मिसाल पोगो पे भी ना मिले। कार्टून नेटवर्क पर ढूंढ ले, वो बंद हो गया। नहीं, खुला हुआ है, देख तो सही। आप इतनी मुखलिस, जैसी मुखलिस दोस्त ने मैंने नहीं देखी। यार के घर में किसी की भी शादी हो, भले तीसरी चौथी हो किसी, उस पर भी नाच लेगी। वो 12 गाने करना आसान बात नहीं है। 12 गाने मस्ती थी ना, वो मस्ती है आपकी, तो वो जाहिर सी बात है फ्लोर पे भी मस्ती चाहिए। तो कमेंट में बोल लो, बड़ी मस्ती है इसको भाई। तो वो तो बोलेंगे, अभी तुम देखना कितनी अश्लील अश्लील बातें करेंगे। देखो आप किसी को किसी की लाइफ डिस्कस नहीं कर सकते आप। ये तो हम समझा समझा के थक गए लोगों को। हम पैदा नंगे हुए थे, गर्मी वहीं से शुरू हो गई। बस सही है, खत्म हो गई बात। वही कफन उड़ेंगे बस, वो भी कोई दूसरा उड़ाएगा। और वो भी आपको, अल्लाह का मामला, हम कौन होते बोलने। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अल्लाह पाक ने कहा आप जैसे आप तौबा करते रहो। जी मैं कबूल करने वाला हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन ये बात अभी ये करने वाली नहीं है। करने वाली बात ये कि तुम खाना खाओ, बता दूं क्या, रिवील कर दूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है। अगली हमारी है। हाँ क्या, अगली हमारी है ना। हाँ अब्दुल्ला जी डांस पार्टनर हमारे। हाँ, क्या सोचा आपने, रील वायरल जाएगी या नहीं? मुझे बस मीठा खाना है। आजा आजा, अरे वो जीन चला गया। कौन सा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जीन ये देखो तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। नाराज करके भेजा तुम लोगों ने। हमारे हमारे यहाँ मेहमान आए बहरीन से। कौन है बहरीन से? बेहरा कौन है? हेलो एक्सक्यूज मी सर, हेलो हेलो माइक टेस्ट। बचपन में खाती याद है, 8 साल की उम्र में जी याद है। इसको कैसे याद है, किसके साथ, कौन है लड़का, दिखाओ। दो तीन कौन सा टुकराया हुआ, इसको तो नहीं सीधा कर सकते। कौन भाई देखे ये? ओ नहीं आंटी, कौन है, कितने कपल नाचे आज, वायरल हम दोनों। हेलो एवरीवन, सो फाइनली आई एम बैक, और बैक अपने घर में। और चुड़ैल लग रही होंगी, एक ही सब कुछ उतार सुतार दिया है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था सीरियसली। मतलब इतना कोई हैवी ड्रेस था जिसकी कोई हद नहीं, और बस मैंने कैसे उसको जो है ना क्या नाम है कैरी किया ये मैं ही जान सकती हूँ, और आप लोग देख के तो बता ही सकते होंगे कि कितने किलो का ड्रेस था। खैर उसके साथ साथ होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। बहुत ज़्यादा बात ही नहीं की मैंने व्लॉग में, और ना ही मैं सबके पास गई मिली सेपरेटली, ऑफ कैमरा मैं सबसे मिली, मैंने सबको जो जो चीज़ें मैं कैप्चर कर सकती थी मैं दिखा पाई आप लोगों को, मैंने दिखाया। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे कैप्चर करने चाहिए थे और जो मैं नहीं कर पाई थी, जस्ट बिकॉज के उसमें सीन ये था कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड थी। और अभी भी अगर मैं आपको अपने मोबाइल की बैटरी दिखाऊँ तो वो लो ही है स्टिल। मैं घर वापस आती थी तो मेरी जो है मोबाइल की बैटरी 3% थी, अभी मैंने उसको 4-5 मिनट के लिए चार्ज किया है जो कि अभी 15% पर पहुँची है। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग का एडिट करती हूँ, क्योंकि एडिट करके सुबह आप लोगों को व्लॉग भी देना है। सो डांस आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, और स्टार्टिंग के जो चंक्स और पार्ट्स थे वो आप लोग इन्जॉय करें, और एंड की मेरी
एंडिंग जो कि मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ वो इन्जॉय करें आप। तो फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह ज़ारिब की बारात पे। होपफुली आपको ज़ारिब की मेहंदी पसंद आई हो और सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। स्पेशली मेरी दोस्त स्पेशली मेरा भाई नारेगुल सरनाम और उनकी जो है क्या नाम है, मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनके पास आस पास मौजूद थे और मैं जब गई कि मैं उनकी एंट्री वगैरह चेक करूँ देखूँ बट नहीं हो पाया। लेकिन 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 बहुत मज़ा आया, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। सो स्टे ट्यून फॉर बारात व्लॉग और टिल देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक कॉमेंट एंड शेयर। और हाँ, सो लव फेस, दुआ में याद रखिएगा।